सिंपल थ्री बेडरूम होम डिजाइन प्लान, साथ में एक पार्किंग एरिया। तो डिजाइन स्टार्ट करेंगे अभी। कॉलम पहले कॉलम वर्टिकली हम एक्सटेंड करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ इधर हम इसको सेटिंग करेंगे। देखिए एक सिंपल हॉरिजॉन्टल एंड लेंथ इनटू वाई चॉइस इसको सेटिंग करके डिज़ाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 16 नंबर्स कॉलम। कॉलम के बाद स्टेयर, इधर आपको स्टेयर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम यहाँ इधर सेटिंग करेंगे अभी। तो फाइनली देखिए कार पार्किंग के साथ जो डिज़ाइन था इधर करके रखा है। उसके बाद मेन एंट्री, इधर जो वॉल 8 फीट हाइट तक वॉल सेटिंग करके रेडी करेंगे। तो आउटसाइड और इनसाइड, बाहर और अंदर जितना वॉल आपको दिखाई दे रहा है हम इधर 8 फीट हाइट तक ड्रॉ किया है फर्स्ट, और इसका जो वाइड 10 इंच 250 mm वॉल वाइड रेडी किया है इधर। उसके बाद हम इसके अंदर इसका जो विंडो डोर, तो डोर इधर पहले से बना हुआ है और विंडो हम क्रिएट करेंगे अभी। इधर जो वॉल इसको हम सेट करेंगे इधर, ओके। तो उसके बाद इधर जितना लाइन इसको हम डिलीट कर देंगे। फाइनल डिज़ाइन ऐसे ही आपको दिखाई देगा। तो फ्रंट साइड में चलिए, ऐसे एक डिज़ाइन आएगा। उसके बाद हमें विंडो चाहिए 4 फीट 6 इंच डेप्थ। घर के अंदर आपको आने के बाद इधर जो पोजीशन है इसके वाइज इधर आपको एक छोटा सा वेटिंग रूम देखने को मिल जाएगा। इस वेटिंग रूम से आप घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जस्ट एक विंडो यहाँ पर डोर हमने दिखाया है, ऐसे रहेगा इसका डिज़ाइन। बाद में आप अंदर में आने के बाद आपका जो बेडरूम किचन टॉयलेट सब कुछ आपको इसके अंदर दिखाई देगा। एक एक रूम के हिसाब से हमने 2 विंडो रखने का इधर पोजीशन रखा है। आप चाहे तो एक विंडो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपका प्लॉट या बिल्डिंग एरिया के ऊपर। पोजीशन वाइज कहाँ पर आपका बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर आपका विंडो और वेंटिलेटर एरिया आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूम विंडो एंड किचन का विंडो, ओके। जितना हमारा रेफरेंस लाइन इसको हम डिलीट करने वाले हैं, अभी डिलीट करके दिया है। टॉप से फ्लोर के अंदर हम देखेंगे तो हमें ऐसा फाइनल डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कोई फर्नीचर इसके अंदर ऐड करते हैं। फाइनल 3D डिज़ाइन के साथ फाइनल फर्नीचर लेआउट प्लान, 1-3 बेडरूम किचन सिट आउट एरिया डाइनिंग ड्राइंग एरिया टॉयलेट एंड बाथरूम एरिया
तो रूम का मेजरमेंट और एक ओपन पार्किंग का पोर्टिको, आउटसाइड इनसाइड वॉल 10 इंच का वॉल, और कॉलम कितना आएगा, 16 नंबर्स कॉलम। तो इसके बाद हमें और एक चीज़ आपके साथ शेयर करना है, जो 2D ड्राइंग। 2D ड्राइंग के अंदर आपको टोटल मेजरमेंट के बारे में पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं 2D ड्राइंग। पहले शुरू करने से पहले 2D ड्राइंग इधर कुछ मेजरमेंट वाइज रूम का लेंथ इनटू ब्रेथ, उसके साथ देखिए 11 फीट बाई 13 फीट, और एक साइड में 14 और 11 फीट। टॉयलेट एरिया, टॉयलेट एंड बाथरूम, लैट्रिन बाथ सॉरी बाथ लैट्रिन DRAW ड्राइंग कम DINING डाइनिंग। WITING वेटिंग एरिया एंड कार पार्किंग पोर्टिको KITCHN किचन कंप्लीट। मेजरमेंट शो करने के बाद आपको फाइनल डिजाइन पूरा इधर दिखाई देगा। तो 11 फीट 6 और 8 फीट कार पार्किंग एरिया, 14 10 एंड 12 4 एंड 16 फीट 10 फीट स्टेयर के लिए, 13 फीट 10 एंड 10 फीट, और टोटल बिल्डिंग लेंथ इनटू ब्रेथ 35 फीट 10 बाई 38 फीट, 36 बाई 38 फीट का होम डिज़ाइन प्लान। टोटल स्क्वायर फीट 1374। टोटल कॉस्ट 27 से 30 लाख रुपीस तक कॉस्ट आएगा। इसका जो आउटसाइड इनसाइड वॉल 10 इंच का वॉल, कॉलम 10 बाई 12 का कॉलम इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है। स्टेयर का जो देखिए 10 इंच का 3 फीट इधर 3 फीट एंड 3 फीट 8 इंच, 3 फीट 4 इंच लैंडिंग, 3 फीट बाई 3 फीट। आप चाहे तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।